हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपनी इनकम को रनिंग टाइम के साथ में मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं? क्या आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर पा रहे हैं? जो भी पैसा आज तक आपने बनाया है उसको सही जगह इन्वेस्ट कर पा रहे हैं? अगर आपके ये सारे आंसर हैं नो, तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हैरी गिल आप सभी लोगों का अपनी नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी के बारे में जहाँ पर आप अपना पैसा सेफली इन्वेस्ट करके आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न्स पा सकते हैं। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आईपीओ अपॉर्चुनिटी के बारे में। आईपीओ का नाम सुना होगा आपने। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो ऊपर आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया, उसको क्लिक करके आईपीओ के बारे में बेसिक नॉलेज आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं 7 अपकमिंग आईपीओज के बारे में, जो कि आगामी कुछ महीनों में दिवाली के बाद में आने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा यहां से लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है वन मूवी क्विक सिस्टम लिमिटेड। इस कंपनी का नाम सुना होगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम की तरह दोस्तों ये कंपनी काम करती है मार्केट में। सन 2009 में दोस्तों इसकी शुरुआत हो चुकी है और तब से लेकर कंपनी आज तक मार्केट में है। और बिपिन प्रीत सिंह इसके फाउंडर हैं कंपनी के। 13 साल कंपनी को हो चुके हैं। कंपनी बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन अपने कस्टमर्स को दे रही है। 31 मार्च 2021 तक कंपनी 101 मिलियन से ज़्यादा अपने रजिस्टर्ड यूजर बना चुकी है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस देखें 2019 से लेकर 21 तक, तो लगातार इंप्रूवमेंट देख रहा है, चाहे टोटल असेट्स हो या टोटल रेवेन्यू हो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो। थोड़ा सा कोरोना काल में डाउन हुआ लेकिन उसके बाद में अच्छा हुआ है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को देखें तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि दूसरी कंपनियों से इसको अलग बनाते हैं। आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो 1900 करोड़ का दोस्तों आईपीओ लेके आ रही है। लिस्टिंग डेट अभी अनाउंस होना बाकी है। दूसरा अपकमिंग आईपीओ है गो एयरलाइंस इंडिया लिमिटेड का। कंपनी की स्थापना 2005 में हुई है और कंपनी दोस्तों एविएशन सेक्टर में काम कर रही है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे इसका नाम गो एयर करके है, आईपीओ इसका आ रहा है और लगभग 8.4% का दोस्तों मार्केट शेयर है कंपनी का। अगर इसके फाइनेंशियल स्टेटस को देखें तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे लगातार इसमें भी इंप्रूवमेंट नज़र आता हुआ दिखा है। 2018 से लेकर 20 तक लगातार इसके जो फाइनेंशियल्स हैं, पर्टिकुलर्स हैं, वो इंप्रूव हुए हैं और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी का आईपीओ भी अच्छा जाने वाला। कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है आईपीओ लाने का, वो अपनी सेलेक्टेड बारोइंग्स को रीपेमेंट करना और कंपनी अपने कॉर्पोरेट पर्पज को भी पूरा करना चाह रही है। कुछ नए ऑफिस वगैरह डालना, कुछ नई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए कंपनी मार्केट में अपना जो आईपीओ है वो इशू कर रही है। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल की, तो आईपीओ कब आने वाला है। आईपीओ जल्द ही आगामी मंथ में आने की संभावना है। आईपीओ डिटेल की बात करें तो 3600 करोड़ का दोस्तों इशू साइज है कंपनी की। इशू और लिस्टिंग डेट्स जो हैं वो अभी अनाउंस होना बाकी है। और तीसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आईपीओ है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। कंपनी की शुरुआत सन 2010 में हुई थी और तब से कंपनी लगातार मार्केट में फाइनेंस सेक्टर में काम कर रही है। अगर बात करें कंपनी की तो ये कंपनी का मेन उद्देश्य घर बनेगा तो देश बनेगा, मतलब इसका टैगलाइन है। घर के लिए दोस्तों लोन देती है, हाउस के लिए लोन देना इसका काम है और लार्जेस्ट HFC फोकस करके काम कर रही है मॉर्टगेज रिलेटेड लोन्स पर। और आप लोग भी यहां पर हर कस्टमर के रूप में फ़ायदा उठा सकता है। 2021 तक की अगर बात करें तो 325 से ज़्यादा इसकी ब्रांचेज हो चुकी हैं 20 स्टेट्स में और काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट कंपनी ने लगातार अपने फाइनेंशियल स्टेटस में भी दिखाया है। जैसे आप देख पा रहे हो 2019 से लेकर 21 के बीच में लगातार दोस्तों इसका जो रिटेल AUM है वो लगातार बढ़ा है। ग्रॉस बेनिफिट भी बढ़ते जा रहे हैं लगातार कंपनी के। इससे एक अंदाज़ा लग रहा है कि इसका आईपीओ भी काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट दे सकता है। आने वाले टाइम में कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो होने की संभावना है। आईपीओ डिटेल की बात करें तो इशू साइज दोस्तों 7300 करोड़ का रहने वाला है और इसकी लिस्टिंग डेट और प्राइस बैंड अभी अनाउंस होना बाकी है। फोर्थ आईपीओ अपॉर्चुनिटी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हो सकती है। 2009 में दोस्तों कंपनी की स्थापना हुई थी। एक फाइनेंस सेक्टर में काम करते हुए कंपनी आज स्मॉल फाइनेंस बैंक का रूप धारण कर चुकी है। कंपनी का विजन, मिशन और कोर वैल्यू दोस्तों एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है और आप इसमें इन्वेस्ट करके आने वाले टाइम में अच्छा पैसा यहाँ से लंबे समय के लिए भी बना सकते हैं। अगर दोस्तों कंपनी के हेडक्वार्टर की बात करें तो वाराणसी में स्थित है और दोस्तों लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेक्टर में काम कर रही है कंट्री में और मेन बन सकती है आने वाले टाइम में। अगर इसके फाइनेंशियल हाइलाइट्स को देखें तो यहाँ पर भी आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लगातार ही हो रहा है। दोस्तों 2020 में काफ़ी ऊपर गया है, उसके बाद में थोड़ा सा 2021 में इसका फाइनेंस कमज़ोर हुआ है, उसके बाद में फिर से चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। आप सभी लोग इसको अच्छे से देखकर समझकर इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी की अगर आईपीओ डिटेल की बात करें तो कंपनी का टोटल जो फंड रेजिंग का टोटल इशू साइज है 1350 करोड़ का है। प्राइस बैंड अभी आना बाकी है। इशू और लिस्टिंग रेट को भी डिक्लेयर होना अभी बाकी है। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आईपीओ रहने वाला है, वो है NSDL का, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। 1996 कंपनी की स्थापना हुई है, तब से लेकर आज तक कंपनी लगातार जो भी आप लोग डीमैट अकाउंट का खुलवाते हैं उसमें जो भी आपका पैसा जमा होता है, होल्डिंग्स होती है, उसको ये कंपनी सुरक्षित रखती है। जैसे RBI एक बॉडी है, SEBI एक बॉडी, उसी प्रकार NSDL भी एक बॉडी है जिसमें आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहता है।
और दोस्तों भारत में दो ही नेशनल बॉडी हैं, एक NSDL है, एक CDSL है, आपने नाम सुना होगा, जो कि आपके शेयर्स को, म्यूचुअल फंड को, बॉन्ड्स को रखती हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स हो चुके हैं NSDL के 2019 तक, और NSDL की अगर बात करें तो 1996 में दोस्तों इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ था पहली बार, उसके बाद में लगातार कंपनी काम कर रही है। अगर इसके फाइनेंशियल स्टेटस देखें तो दोस्तों यहाँ पर भी देखेंगे लगातार कंपनी इम्प्रूव करती जा रही है, देख पा रहे हो 2019 में, 20 में, फिर उसके बाद थोड़ा 2021 में कम हुआ, लेकिन अदर पर्टिकुलर सारे सही नज़र आ रहे हैं। IPO डिटेल्स की बात करें 4500 करोड़ का दोस्तों इसका इशू साइज रहने वाला है, प्राइस बैंड अभी आना बाकी है, इशू डेट और लिस्टिंग डेट भी क्लियर होने वाली है। छठा दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए IPO हो सकता है वो बजाज एनर्जी का है। बजाज एनर्जी में भी आप लोग पैसा यहां से बनाने वाले हैं। 2008 से लेकर कंपनी अभी तक काम कर रही, विजन, मिशन, पर्पज एकदम कंपनी का क्लियर नज़र आता है। कंपनी की अगर बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पावर थर्मल जनरेशन कंपनी है उत्तर प्रदेश में दोस्तों, इसका ऑफिस है इंडिया में, पूरे काम कर रही है, कई सालों से लगातार इस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है, और अच्छा आपको यहाँ पर पैसा बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर बात करें दोस्तों तो IPO अप्लाई होने से पहले कुछ ना कुछ अनुमति लेनी होती है, तो लगभग 5450 करोड़ का दोस्तों फंडिंग यहां पर रेज की जाएगी कंपनी की तरफ से, जो कि फ्रेश इशू भी हो सकता है, कुछ थोड़ा सा ऑफर फॉर सेल भी जाएगा। अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस हाईलाइट्स को देखें तो यहां पर देखेंगे तो लगातार इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। 16 से लेकर 18 के बीच में, 16 में 17 में 18 में लगातार कंपनी का जो है बिजनेस बढ़ा है। IPO का इशू साइज की बात करें तो 5450 करोड़ का है, और बाकी डेट सारी क्लियर होने वाली अभी बाकी है। सातवां दोस्तों महत्वपूर्ण जो IPO है आप लोगों के लिए वो नेशनल कम्योडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड का है। इसका IPO का भी इंतजार 2003 से लगातार कंपनी मार्केट में है, और ये दोस्तों एक कह सकते हैं थर्ड एक्सचेंज है कम्योडिटी सेक्टर में, कम्योडिटी के लोगों के लिए जो कि इसमें ट्रेड करते हैं, उनके लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा होने वाला है। कंपनी कुछ ना कुछ नई चीज़ें करने जा रही है, इसलिए वो ना IPO लेके आई है। 500 करोड़ का दोस्तों इसका इशू साइज रहने वाला, 500 करोड़ की दोस्तों इसको अनुमति मिल चुकी है SEBI की तरफ से कि ये मार्केट से रेज कर सकते हैं, उसके बाद में अपने जो भी इनोवेशंस में लगाना है या प्रोफेशनली मैनेज करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वो कर सकते हैं। और इसका IPO दोस्तों अक्टूबर नवंबर में आने की संभावना है। अगर इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें, अगर इसको चेक करें तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कंपनी यहाँ अच्छा करती हुई नज़र आ रही है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरा सा कि क्या इसमें चीज़ें हैं जो अच्छी आने वाले टाइम में हो रही हैं। IPO डिटेल्स की अगर बात करें तो दोस्तों इशू साइज 500 करोड़ का रहेगा, और प्राइस बैंड और इशू और लिस्टिंग डेट से अनाउंस होना भी बाकी है। ये दोस्तों रहे 7 IPO, 7 ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां से आप लोग अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि IPO एक ऐसा दोस्तों कह सकते हैं कि हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है जहां पर हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं पहले से ग्रे मार्केट प्रीमियम से कि कितना पैसा हमारा बन सकता है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा जा रहा है तो आप लोग उसमें पैसा लगा सकते हैं, और आपको अच्छा पैसा रिटर्न आने की भी संभावना बढ़ जाती है। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कंपनी जब शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपना पब्लिक को ऑफर करती है कि उसमें लोग आएँ और उसमें पैसा लगाएं। कंपनी के शेयर होल्डर बनकर आप कंपनी के मालिक बन सकते हैं। अगर आप IPO में अप्लाई करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करके मालिक बनना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास में अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने टॉप लीडिंग ब्रोकर्स के लिंक्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। आप एंजल मनी के साथ में, आप स्टॉक के साथ में, बजाज सिक्योरिटी या पेटीएम मनी के साथ में अकाउंट, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और हमारे साथ में जुड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, कमेंट करके बताएंगे आज की वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो टाइम पर मिल पाए।